बड़वानी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत टीआई राजाराम बासकले को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि गत दिवस नमावर के जामने नदी में डूब रहे व्यक्ति को बचाने की कोशिश में जान गंवाने वाले बड़वानी जिले के ग्राम कोडिया निवासी साहसी दिवंगत टीआई श्री राजाराम बासकले के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बड़वानी स्थित सर्किट हाउस पर मीडिया के समक्ष कहा कि रविवार को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमने मध्य प्रदेश शासन का जांबाज सिपाही खो दिया है। उनके कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए उन्होंने बलिदान दिया, उनके साहस की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। पद पर रहते हुए उन्होंने जो सेवाएं दी हैं, शासन सदैव उनका आभारी रहेगा। टीआई बासकले का परिवार अब मेरा परिवार है। परिवार को शासन की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी, साथ ही उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश शासन के मंत्री प्रेम सिंह पटेल को नियुक्त किया है। बहुत दुखद घटना हुई। हमारे टीआई श्री राजाराम बासकले जो बड़वानी जिले के ही कोइडिया राजपुर के निवासी थे, अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए वो एक शव को निकालने नदी में कूदे थे, लेकिन दुर्भाग्य से भंवर में फंस गए और हमारे बीच नहीं रहे। वो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनकी पत्नी, 2 बच्चे, 4 साल का बेटा और 1-2 महीने की बेटी है। अब वो मेरा परिवार है। हमारे ऐसे बहादुर साथी राजा राम के चरणों में मैं श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ और अपनी कर्तव्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और उस परिवार का, छोटे छोटे मासूम बच्चों का और हमारी बहन का हम सदैव ध्यान रखेंगे। उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार के साथ हम खड़े हैं। मैं स्वर्गीय राजा राम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें राज्य शासन की तरफ से राज्य सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल जाएंगे। मैं एक बार राजा राम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।